इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मुगल शहंशाह अकबर भारतीय इतिहास के सबसे मशहूर शासकों में से एक है। अकबर को अपनी सहनशीलता और अपने समय से बहुत आगे की सोच के लिए पहचाना जाता है। लंबे समय तक अकबर को भारत की विभिन्नता में एकता और सर्वधर्म समभाव की भावना का प्रतीक माना जाता रहा है। पर वक्त के साथ बादशाह अकबर की उस लोकप्रिय छवि के बारे में सोच बदल रही है। पत्रकार मणिमुग्ध शर्मा ने अपनी किताब अल्लाहु अकबर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टुडेज इंडिया में आज के माहौल में बादशाह अकबर के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला है। मणिमुग जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए आपकी किताब पर। तो मणिमुग जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि बादशाह अकबर पर काफी किताबें लिखी गई है और उनके पर्सनैलिटी पे, उनके टाइम्स पे, उनके साथ जो लोग थे उन पर आपकी किताब में आपने फोकस किया है अंडरस्टैंडिंग द मुगल इन द करंट टाइम्स, की हमारी अंडरस्टैंडिंग बादशाह अकबर की कैसे समय के साथ बदली है। तो आपने ये एंगल क्यों चुना बादशाह अकबर पर लिखने के लिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और इस लायक समझा मेरी किताब को कि इस पे जो है बात हो सके। आपका सवाल बहुत अहम है। मैंने दरअसल, आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि 2014 में उसके बाद जो नई तहरीक आई इक्तदार में, तो उन लोगों ने फिर ये सब बातें करना शुरू कर दिया कि जो मुगल थे, अकबर थे, या कोई भी मुसलमान हुकूमत या जो सल्तनत कायम हुई हिंदुस्तान की सरजमीन पे, तो इन्होंने जो है हिंदुओं के खिलाफ काम किया हमेशा। आप कह सकते हैं एक मेरी जिद थी कि जो है, जो मुझे लगता है जो हकीकत है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की है हिस्ट्री की, तो मुझे लगा कि जो है ये इसके बारे में लिखना जरूर चाहिए, क्योंकि जो है आजकल आपको पता है व्हाट्सएप उसी टाइम से शुरू हो गया था, 2013-14 के दौर में व्हाट्सएप एकदम उभर के सामने आया। लोग जो है हमेशा व्हाट्सएप पे ही रहते थे और तरह तरह की बात, अभी भी वो बदला नहीं है, बढ़ा ही है सर। तो तरह तरह की बातें होने लगी, तो इसीलिए फॉरवर्ड्स को देख के फिर हम अपने आर्टिकल्स सोचते थे कि भाई इसको कैसे काउंटर किया जाए। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मेरे बहुत सारे लेख आए जिसमें मैंने ये कोशिश की कि जो है इस इमेज को सुधारा जाए, लेकिन उन आर्टिकल से बात बनी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर मैं ढूंढता गया, खोज करता गया, तो इसी नई मालूमात के जस्तजू में ही मैंने पूरी की पूरी किताब लिख डाली जो अब आपके सामने है। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ आपके शो के जरिए कि मैंने बादशाह की नेकनामी नहीं की है मेरी किताब में, मैंने एक क्रिटिकल अप्रेजल किया है उनका। तो मेरा इरादा ये नहीं था कि जो है मैं उनको बढ़ा चढ़ा के कुछ दिखाऊं, या फिर ये कहूं कि मुगल जो है हिंदुस्तान के फायदे में थे, या फिर उनके लिए बहुत अच्छे साबित हुए। तो ये सब डिबेट तो मुझे जाना नहीं था, मुझे बस ये दिखाना था, आप कह सकते हैं एक किस्म का आईना दिखाना था मुझे। आज के जो हमारे हुक्मरान हैं उनको मैं दिखाना चाहता था कि जो माजी में बातें वो माजी में ही रहना पसंद करते हैं वो ना रहे, अगर रहना चाहते हैं तो फिर ये भी देखें कि माजी में होता क्या था। इसीलिए अकबर को आज के जमाने में समझना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि 16वीं शताब्दी में जब वो आए तो उस टाइम पे हिंदुस्तान में आपको पता है मुगल अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे, उस जमाने में बाहर से आए थे ये लोग, और उसके बाद हिंदुस्तान में ही मिल गए, और ये इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि अकबर के जमाने में वो कोशिश हुई, एक साझा कौमियत की तरफ जाने की कोशिश हुई, एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहादी तहजीब या तहजीबी इत्तेहाद जो है वो सामने आया और वजूद में आया। तो अकबर के टाइम पे हम देखते हैं कि ये कोशिशें हुई थी, और अगर अकबर नहीं होते तो शायद कोई और करता, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने की ये कोशिश, उसकी वजह से जो है आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। अकबर का जो मुल्की इंतजाम था जिसको हम सुलह कुल के नाम से जानते हैं,
आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान में जो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है सेकुलरिज्म का, वो अभी भी अकबर की अंडरस्टैंडिंग से आगे नहीं बढ़ पाया है। ये वही अकबर का सुलह कुल है जो हम आजकल सेकुलरिज्म, क्योंकि हमारा जो सेकुलरिज्म है और वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म जो है, उसमें दोनों में बड़ा फर्क है। और हमने हमेशा कहा है कि हमारा स्टेट ई रिलीजियस स्टेट नहीं है, सेकुलर है लेकिन ई रिलीजियस नहीं है। हम सारे मजहब को जो है, सारे दीन इस हिंदुस्तान में जो है, सबको हम मानते हैं, सबसे एक इक्विडिस्टेंट रिलेशनशिप हम रखते हैं। यही सोच अकबर की भी थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद एक तरीका हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बहुत सक्सेसफुल हुआ उस चीज में, लेकिन फिर मैंने कोशिश जरूर की कि माजी को हाल से मिलाया जाए, कि देखा जाए कि माजी में लोग कैसे थे, क्या बातें होती थी, सियासत किस किस्म की थी, और आज क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या कंटिन्यूटीज हैं। तो इन सब के बारे में मैंने, इन सब पे मैंने गौर किया है, और मैंने कोशिश की है कि जो है लोगों को तक ये बात पहुंचाई जाए कि बहुत मामले में हम तो सिमिलर हैं, बहुत मामले में काफी अलग हैं, लेकिन पावर का हमेशा मोटिवेशन सेम रहता है। जो इकतदार में होता है, जो हुक्मरान होता है, उसको सियासत के दांव पेच उसको खेलने पड़ते हैं, लोगों को जोड़ना पड़ता है। कुछ लोग ये काम बखूबी करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं आजकल के दौर में, वो अकबर से सीख ले सकते हैं। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। मणि जी, आपकी किताब की शुरुआत में आपने बात की है बादशाह अकबर के बारे में, जो इंटरेस्ट था वो स्पेशली फ्रीडम मूवमेंट के समय में, जब इवन लाला लाजपत राय और काफी जो उस समय के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक बादशाह अकबर को एक आइडियल की तरह देखा, एक यूनिफायर की तरफ देखा। तो ये जो जो फ्रीडम मूवमेंट का काल था, उस समय जो बादशाह अकबर की एक इमेज थी, वो कहाँ से बनी? क्या एक डिसीजन लिया गया कि नहीं, ये यही हमारे बाद यही हमारे आइडल बनेंगे, या फिर एक एक मेमोरी थी कि बादशाह अकबर के काल से कि वो एक टॉलरेंट रूलर थे? तो ये जो एक छवि उनकी बनी, जो इनफैक्ट 1960s, 70s, 80s तक चली, कि एज अ यूनिफायर, लाइक एन आइडियल इंडियन रूलर, तो वो उसकी उसकी पॉपुलर इमेजिनेशन में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये भी बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। मेरे ख्याल से, और मैंने इसका जिक्र भी किया है मेरी किताब में, कि ये इसके लिए हमें बर्तानिया की सरकार को हमें जो है थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रेडिट भी दे सकते हैं, और आप उनको जो है उनकी तंकीद भी कर सकते हैं इस वजह से कि उन्होंने सबसे पहले ये कहना शुरू किया कि अकबर जो है बाकी बादशाहों में बहुत अलग थे, और मुगलों में भी, मतलब वो सबसे बेहतरीन मुगल बादशाह थे। और एक जो बाइनरी आज तक हम इस्तेमाल करते हैं, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, अकबर गुड मुस्लिम, औरंगजेब बैड मुस्लिम, ये हमारी सोच है। तो ये भी इन्हीं लोगों ने, जो अंग्रेज तारीखदान थे, इन्हीं लोगों ने जो है इस चीज को बढ़ावा दिया। इन पहली पहला जिक्र उन्हीं की तरफ से हुआ, और उसके बाद जो है इसी सोच को उन्होंने बढ़ावा दिया। बाद में आगे चल के एकेडेमिया में भी हमने देखा कि यही सोच जो है वो काबिज हो गई। और ये अंग्रेजों ने फर्क तो किया, हमेशा ये कोशिश की उन्होंने कि ये दिखाए कि मुगल जो है वो बाहरी थे और हम भी बाहरी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने बाहरी लोगों को कबूल किया, इसीलिए हिंदुस्तानी लोग हमें भी कबूल करें, है ना? तो एक किस्म का जो है एक लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, तो अंग्रेज वो लाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उन लोगों ने वो, और एक तो जेनुइन इंटरेस्ट भी था उन लोगों का, इसको भी हम नकार नहीं सकते। वो तो बड़े बड़े इंटरेस्टेड थे मुगलों में, और खास करके उनकी जो लेगेसी थी, द बिल्ट लेगेसी, जो इमारतें उन्होंने खड़ी की, जो आज तक हम बहुत, हमें प्राउड फील होता है कि भाई ताजमहल है हिंदुस्तान में, और आगरा फोर्ट है, और इन सब जो है जो कलाकृतियां हैं वो लेकर के हमें बहुत हमें गुरूर भी है काफी हद तक। तो अंग्रेज बड़े इंटरेस्टेड थे इन सब चीजों में, तो उन्होंने इसीलिए इस खोज करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो है ये दिखाना भी शुरू कर दिया था कि जो है मुसलमान हुक्मरान थे हिंदुस्तान के लिए, वो खराब थे हिंदुओं के लिए खासकर, और हमने जो है हिंदुओं को मुसलमानों की गुलामी से आजाद किया। तो ये सोच जो पैदा कर दी इन लोगों ने, तो
तो उसके बाद से हम देख पाते हैं कि ये फ्रीडम मूवमेंट में भी हमारी ये सोच रही कि हमने एक सेक्युलर आइडेंटिटी पर हमने जोर दिया हमारे उस जमाने 19 सेंचुरी से हम देख पाते हैं कि ये सेक्युलर सोच हमारे फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बन चुकी थी। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानी तारीखदान थे या जो हिस्टोरियंस भी नहीं थे सिर्फ लिखते थे इन सब मामलों में, तो इन ये लोग भी लिख रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे थे, मुगलों को एक हिंदुस्तानी एम्पायर की तरह दिखाने की कोशिश इन लोगों ने करी थी। और 19 सेंचुरी के एंड में हमने देखा कि जो एक गौ रक्षा मूवमेंट शुरू हुआ था, गौ प्रोटेक्शन मूवमेंट, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है वो इसलिए क्योंकि जो उस जमाने के हिंदू ग्रुप्स थे, जो कम्युनल सेक्टेरियन ग्रुप्स थे, तो इन लोगों ने जो है ये गौ माता की हत्या बंद करनी चाहिए, तो कांग्रेस के सेशंस के साथ साथ ही गौ काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट के सेशंस भी होते थे, आर्य समाज वगैरह ने ये शुरू किया था इसको, दयानंद सरस्वती। तो उस टाइम पे कॉलोनियल हुकुमरानों को उन्होंने लिखा अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तान के, खास करके यूनाइटेड प्रोविंसेस में, यूपी में, कि ये बंद करना चाहिए क्योंकि हमारे बादशाह अकबर ने इसको बंद किया था। इसीलिए अंग्रेज अगर अपने आप को ये समझते हैं कि हमने मुगलों से बागडोर संभाली है तो वो भी वही सारे फैसिलिटीज हमें दे, वही सारे जो है बेनिफिट्स हमें दें जो मुगलों से हमें मिली थी, और खास करके बादशाह अकबर की तरफ से। तो लाला लाजपत राय का जिक्र मैंने किया है मेरी किताब में, तो लाला लाजपत राय ये सोच में यकीन रखते थे कि जो मुसलमान हुकुमरान थे वो हिंदुस्तान के हित में नहीं सोचते थे, है ना, उनका मकसद सिर्फ लूट मार का था, कत्ल वगारत का था, लेकिन अकबर के लिए उन्होंने ये एक एक्सेप्शन किया कि उनके मुताबिक, मतलब आपने देखा है मैंने उस एग्जैक्ट लाइंस का मैंने उसका कोट किया है कि बाय कॉमन कंसेंट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉनार्क्स इन दिस वर्ल्ड। तो ये उन्होंने लाजपत राय ने जब अपना रिव्यू उन्होंने लिखा था विंसेंट स्मिथ का अकबर द ग्रेट मुगल का, उस जमाने में वो अमेरिका में थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें उन्होंने विंसेंट स्मिथ की तंकीद की थी कि आपने जो है अकबर का जो है कॉन्टेक्स्ट आप भूल गए, आपने जो अकबर की तंकीद की है उसमें आप ये भूल गए कि वो 16th सेंचुरी में थे और आज के सेंसिबिलिटीज नहीं थे उनमें, तो जाहिर सी बात है कि आप वो सब एक 16th सेंचुरी एम्प्रेस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा क्योंकि लाला लाजपत राय को आज आप देखिए हिंदुस्तान का जो लेफ्ट है वो उनको नकार देता है, कहता है कि वो संघी थे जो भी थे, तो वो सारे मॉडर्न लेबल्स हैं। तो ये हम देखते हैं 20th सेंचुरी में आते आते पंडित नेहरू ने जब लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने जो एक अकबर का तसव्वुर किया उसमें एक सेक्युलर लिबरल बादशाह के तौर पे जो है अकबर को उन्होंने दिखाया, उसका इमेजिनेशन हुआ और उसी को जो है वो आज तक बरकरार है। हालांकि सियासत की वजह से बहुत सारी बातें हो रही हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है जनमानस में जो अकबर बादशाह की छवि है वो अभी भी खासकर पॉजिटिव ही है, और ये हमारी फ्रीडम मूवमेंट की भी लेगेसी है और साथ ही साथ जो है बरतानिया हुकूमत उसकी भी लेगेसी है, तो ये दोनों हमें याद रखना चाहिए। तो आपने जब ये क्रिटिकल एनालिसिस अकबर की पर्सनालिटी का शुरू किया और जब आप इस किताब को लिख रहे थे, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे दिलचस्प लगी, कि ऐसी कौन सा आपको लगा कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग है और ये जो उनकी पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट पहले नहीं आया है, कंसिडरिंग कि उन पर इतना लिखा गया है और इतना रिसर्च हुआ है, तो आपके ओपिनियन में कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था? अकबर की जो पर्सनालिटी है बड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी थी उनकी, सारे प्राइमरी सोर्सेस में हम उसका जिक्र देखते हैं और जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे जेसुइट प्रीस्ट से उन लोगों ने भी जो भी मतलब अकबर के संस्पर्श में जो भी आया था उसने यही बात कही है कि ये काफी मायूस रहते थे, उनकी आंखों में जो है एक मायूसी दिखती थी कि स्पिरिट्स काफी लो थे उनके। तो एक फिक्शन ऑथर ने इसको इंटरप्रेट किया है, कुछ साल पहले एक किताब आई थी शाजी जमा साहिब की अकबर करके, तो उन्होंने उसमें एक इंटरप्रिटेशन दिया कि शायद अकबर बाइपोलर थे। तो अब खैर मैं साइको एनालिटिकल हिस्ट्री में यकीन नहीं रखता तो मैं वो सब एनालिसिस में नहीं दूंगा, लेकिन एक बड़ा ही हैरत अंगेज किस्म का इंसान मैं अकबर में देखता हूँ। एक तो उनकी सोच जो अपने वक्त से बहुत आगे की थी,
और ऐसा नहीं है कि वो अकेले ऐसे बादशाह थे जो ऐसे सोचते थे। हम दक्कन में भी अगर जाएं कुछ ऐसे सुल्तान हमें देखने को मिलता है जो अलग ही रंग ढंग में धुले थे, और बाद में उनके बाद भी हमने ऐसे लोगों को देखा है। लेकिन अकबर ने बहुत बड़े पैमाने पे ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए, और क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी थी, वो पावर था, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर के जो है वो हुक्मरान थे, तो ऑब्वियसली वो कुछ बातें कह सकते थे, कुछ चीजें कर सकते थे। बड़े प्रैग्मेटिक से इंसान थे, वो भी था कि ऐसा नहीं है कि वो जो भी सोच लिया वही कर दिया, मतलब उस बादशाह भी थे। और बहुत सारी कोशिशें नाकाम भी रही उनकी, क्योंकि उन्होंने फिर ये कोशिश की थी, क्योंकि उस जमाने में आप देखिए, उस जमाने में ही नहीं उससे पहले भी, कोई भी बादशाह कोई भी सुल्तान तख्त पे बैठा है तो मजहब के दायरे में नहीं रह पाया है ना। तो आपका दीन कहेगा कि आपको यह करना चाहिए, लेकिन अगर आप सुल्तान हैं तो आप वो नहीं कर सकते, कभी आपको दीन के खिलाफ जाके भी काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो हमेशा एक टेम्पोरल पावर और स्पिरिचुअल पावर का हमेशा एक क्लैश रहा है। और हमने ये सुल्तानों में भी देखा है कि उलमा जो है बहुत रोड़े अटकाते थे, और अकबर के जमाने में तो काफी, क्योंकि उस टाइम तक इस्लाम का जो वजूद था वो एकदम एक डॉगमेटिक वो हो चुका था तब तक, तो उसके खिलाफ जाके बहुत कुछ किया नहीं जा सकता था। इसके लिए अकबर बहुत परेशान भी हुए, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्सी था, उलेमा था, उसको लगा कि ये बादशाह जो है मजहब से बाहर जा रहा है ना, मजहब छोड़ रहा है। और आप देखेंगे प्राइमरी सोर्सेज में, जैसे मुल्ला अब्दुल कादिर बदौनी ये लिखते हैं हर बार कि ये कैसा मुसलमान बादशाह है जो हिंदुओं की तरह जो है तिलक लगा रहा है अपने जन्मदिन पर, अपने हाथ में कलेवा बांध रहा है, अपने हिंदू बीवियों की बातें सुन रहा है, उनके साथ जो है होम सेक्रीफाइस कर रहा है, होम जो यज्ञ वगैरह कर रहा है, और सूर्य नमस्कार कर रहा है, 1001 नाम जो है सूर्य देवता के, वो जो है रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर के वो जो है उसका उच्चारण कर रहे हैं। तो ये कैसा बादशाह है जो हिंदू औरतों से शादियां कर रहा है, जो ईसाई पादरियों को बुला रहा है, जो यहूदियों को अपने खेमे में बुला के जो है उनकी बातें सुन रहा है, जैन ब्राह्मण और अलग अलग फिरके के अलग अलग मजाहिबों के लोगों में जो है बहस मुबाहिसे कर रहा है, उनकी दीनी किताबें ला के पढ़ रहा है या पढ़वा रहा है लोगों से। तो ये मुझे लगता है ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट इससे पहले हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। और जो रिलीजियस लिटरेचर, जो पॉपुलर उस जमाने की जो किताबें थी, जो हम हिंदू लिटरेचर लिटरेरी ट्रेडिशन का बहुत अहम हिस्सा हम मानते हैं, जो हमारे महाकाव्य रहे हैं, महाभारत, रामायण, उपनिषद और नल दमयंती, ये सब बहुत पॉपुलर स्टोरीज है। इन सबको जो है अकबर के जमाने में उन्होंने ये कह दिया था कि इन सबका ट्रांसलेशन होना चाहिए, इसका तर्जुमा होना चाहिए फारसी में, ताकि जो है जो लोग अब पावर में हैं, जो उनके उनके जैसे लोग हैं जो फारसी तहजीब में रवा दवा है, जो ये इन लोगों के लिए जो समझ में आए इनको, तो ये काम ये होना चाहिए। और अकबर को इस बात से बहुत हैरत होती थी और बहुत दिलचस्पी थी उनको इसमें, कि उनको जो है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ जोड़ा जाता था, उनके जो हिंदू प्रजा थी उनकी, उनको कौशल्या पुत्र कह के बुलाते थे, या राम या कृष्ण या अर्जुन, ये सब नाम हमने देखा है बादशाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यहां तक राजपूत सोर्सेस में कहा गया है कि इंद्र देवता जो हैं, इंद्र देवता स्वर्ग में बहुत भयभीत हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब बादशाह तो पूरे मुल्क पे जो है हुकूमत कर रहे हैं, दोनों जहान पे उनकी हुकूमत हो गई है, तीसरे जहान अगर स्वर्ग पर भी उन्होंने हुकूमत कायम कर ली तो फिर मेरा क्या होगा। तो बाकी सारे लोग आके इंद्र देवता को समझाते हैं कि नहीं, ये बादशाह ऐसा नहीं है, ये आप पे अटैक नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें जो है जब वो सुनते थे, कम से कम राम के बारे में तो उनको मालूमात थी, तो इससे वो जानना चाहते थे कि ये कौन है, ये क्या ट्रेडिशन है। लेकिन अब ये सोच बदल रही है, बिकॉज अभी काफी चर्चाएं हो रही है कि आप अकबर को ग्रेट कैसे बोल सकते हो, क्योंकि वो लोग उदाहरण देते हैं कि जब पानीपत की जंग हुई और जब हेमू हार गए तो तब उनके परिवार का, जैसे उनके पिताजी का कत्ल किया गया, या फिर जब अकबर ने चित्तौड़ जीता तो वहां पर भारी कत्लेआम हुआ। इनफैक्ट चित्तौड़ का तो कैंपेन का उल्लेख तो आपकी किताब में भी है,
यू नो आई मीन लोग ऐसे उदाहरण देते हैं, और यू नो आई मीन जहाँ पे कत्लेआम हुआ है, जहाँ पे बिहेडिंग्स हुई है, किलिंग्स हुई है, लोग कहते हैं कि उनके हरम में तो इतनी हिंदू औरतें थी एंड ऑल, तो आप फिर यू नो आई मीन आप इन सब चीजों को कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो आपका क्या कहना है? अकबर बादशाह ने ये किया वो किया, बिल्कुल किया। चित्तौड़ पे जो उन्होंने हमला किया, मैंने उसका बखान पूरा डिटेल में मैंने लिखा है मेरी किताब में, आप वाकिफ हैं उससे, आपने पढ़ा है उसको। तो उसमें उन्होंने बहुत अलग ट्रीटमेंट दिया चित्तौड़ को और रणथंभौर को, जो सेम राजपूताना का एक दूसरा बहुत अहम किला था, गढ़ था, उसको उन्होंने बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट दिया। चित्तौड़ के लिए अब हमेशा देखिए, हिंदू इतिहास को हमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, है ना, कि उस वो सिचुएशन क्या था, पॉलिटिकल कंपल्शंस क्या थे। अकबर का ये मुगलों का आप जानते हैं कि तिजारती उनका बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप था बाहर के मुल्कों के साथ, तो जो लड़ाई के लिए जो घोड़े आते थे, वॉर हॉर्स जिसको हम कहते हैं, वो वेस्ट एशिया से आते थे, तो वो सारे ट्रेड रूट्स जो हैं वो राजपुताना से होके निकलते थे, गुजरात और राजपुताना से, तो ओवरलैंड ट्रेड रूट्स। तो इसके लिए राजपुताना पे फतह करना बड़ा जरूरी हो गया था। और राजपुताना में दो पावरफुल स्टेट्स थे, एक था मारवाड़ 16वीं शताब्दी में और दूसरा था मेवाड़। मेवाड़ का गढ़ था चित्तौड़, और चित्तौड़ उन्हीं सब ट्रेड रूट्स पे बैठा हुआ था जहां जिस पर कंट्रोल करना अकबर और मुगलों के लिए बहुत जरूरी था, तो इसीलिए उन्होंने ये कैंपेन किया। और इससे पहले भी, चित्तौड़ की लड़ाई से पहले भी, मेवाड़ के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो भी मुगलों से भागा था, जैसे जब वो मालवा पे चढ़ाई करते हैं अकबर, तो बाज बहादुर भाग के जाके राणा उदय सिंह के पास जाके चले जाते हैं ना, उनकी उनके उनके कोर्ट में जाके बैठ गए थे उस टाइम। और जो भी भागा मुगलों से अकबर से, वो जाके मेवाड़ जाके पहुंच गया, तो इसलिए मेवाड़ एक जो है रास्ते का कांटा बना हुआ था, तो उसको उखाड़ के फेंकना तो बादशाह के लिए बड़ा जरूरी हो गया था। तो इसीलिए जब वो लड़ाई करने के इरादे से वो गए, और आप देखते हैं कि वो कितने अच्छे से उन्होंने उस कैंपेन को प्लान किया था, तो एक के बाद एक करके, एक के बाद एक फोर्ट उन्होंने पहले उस पर कब्जा किया, अपना जो है रियर उन्होंने सिक्योर कर लिया, उसके बाद फिर आगे बढ़े वो। और उसके बाद उन्होंने मेवाड़ जब सीज हुआ, जब चढ़ाई की उन्होंने, तो उसके बाद मेवाड़ चित्तौड़ की तरफ से कोशिश की थी कि एक जो है सुलह हो, सुलह करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई थी। मैंने जिक्र भी किया, इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं होता है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने लिखा भी है इसीलिए, कि सुलह करने की कोशिश मेवाड़ की तरफ से की गई थी, और इसीलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि वो एकदम जैसे राजपूतों का भी एक गलत, एक नहायत ही गलत तस्वीर हम लोगों को दी गई है कि वो जो है बड़े रैश, इजिली एक्साइटेबल किस्म के लोग थे, वैसे नहीं थे, प्रैग्मेटिक थे, उनको भी नहीं चाहिए था कि ऐसा जो है हो। तो बहुत सारे उन्होंने पीस मिशन भेजे, अपने सफीर भेजे अकबर के पास, अकबर ने जो है ये कंडीशन रख दिया कि आप राणा उदय सिंह खुद आएंगे तभी जो है मैं बात मानूंगा। ऐसा हो नहीं सकता था, कोई भी जो है खुद मुख्तार बादशाह या राजा कभी भी ये बात पसंद नहीं करता, इसलिए राणा उदय सिंह ने कुछ भी करने से मना कर दिया। उसके बाद जो हुआ हुआ, उसके बाद चित्तौड़ पे फतेह उन्होंने किया और काफी कत्लो गारत भी हुई वहां पे। आपको पता है जौहर हुआ बहुत बड़ा, और जौहर में सिर्फ हिंदू ही नहीं हुए शामिल, उसमें मुसलमान भी शामिल हुए, क्योंकि साहिब खान राठौर का मैंने जिक्र किया है, जो एक बहुत आला सिप सलार थे राजपूती लश्कर के, और उनकी फैमिली ने भी जौहर किया और उन्होंने शाका किया। तो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी मेवाड़ के हक में लड़ा उसको अकबर ने छोड़ा नहीं। तो सिर्फ हिंदू है इसीलिए उनका कत्ल होगा, ऐसा नहीं था, है ना, तो उसका तो सियासी एक मकसद था उनका। तो यही बात हम रणथंभौर में जाके देखते हैं, बिल्कुल उससे बिल्कुल बरक्स एक दूसरा हमें एटीट्यूड देखता है अकबर का, जो एक महीने के अंदर ही जो है सुलहनामा जो है वो भेजते हैं और उनके तरफ से वो कबूल भी होता है और फिर सुलह हो जाता है और फिर वो राजपूत सिस्टम, मुगल सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं राव सुरजनहाड़ा। तो ये पॉलिटिक्स हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर आज हम एक सिलेक्टिव
कहीं एक्सट्रैक्ट से निकाल के हम दे देते हैं, देखिए 30,000 लोगों का कत्ल किया। अच्छा, ये प्राइमरी सोर्सेज में है, अबुल फजल ने लिखा है 30,000 लोगों को जो है गर्दन उतार दी गई थी। उसके बाद जो है आगे चल के अबुल फजल बोलते हैं कि ज्यादातर लोगों को जो है गुलाम बनाया गया। अच्छा, तो अब आप इससे हम मान सकते हैं कि कत्ल तो हुआ था लेकिन 30,000 लोगों को शायद नहीं मारा गया था, ये सारे एग्जैजरेटेड फिगर्स हैं। हमें हिंदुस्तान की तारीख जब हम पढ़ते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा बढ़ा चढ़ा के चीजों को कही जाती है, और हमेशा बादशाह अगर मुसलमान है वो फील्ड पे ग्राउंड पे करे ना करे, लेकिन जब उसकी तारीख लिखी जाएगी तो ऑब्वियसली उसको एक ऐसे एक उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको एक मजहबी रंग दिया जाएगा। हर कॉन्फ्लिक्ट का मजहबी रंग दिया गया है सारे प्राइमरी सोर्सेज में, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो हमें इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आज मैंने कहा आपको पहले ही कि हमारा जो पास्ट का अंडरस्टैंडिंग है ये प्रेजेंट की वजह से है, जो हमारा हाल है इससे हमारी माजी के बारे में समझ जो है वो बनती है। तो आज आप देखिए 21वीं शताब्दी में आप और हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पैदा हुए हैं, हमारी एक अलग मान्यताएं हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम्स अलग हैं। यही सारे वैल्यू सिस्टम अगर हम 16 सेंचुरी में दे देंगे किसी एक बादशाह पे, वो बादशाह थे, वो राजा थे उस जमाने के, उनके पास एब्सोल्यूट पावर था, वो किसी की भी जान ले सकते थे जब भी चाहे, किसी को भी बख्श सकते थे। आज इतना पावर किसी के पास नहीं होता है ना। आप एक जमहूरियत में है, आप बिना फैसले आप ऐसे फैसले ले भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है लोग इससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक मसाया या एक सुप्रीम लीडर या एक बादशाह का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हिंदुस्तान में हमेशा कायम रहा, ये चेंज नहीं हुआ। आज भी हम सिर्फ एक ही इंसान में वो सारी खूबियां हम ढूंढते हैं कि भाई ये आदमी जो है हमें आगे तक लेके जाएगा। वही अकबर के साथ भी हुआ, उनकी प्रजा ने उनको जैसे देखा, शायद हम भी आज हम सिटीजंस नहीं बन पाए हिंदुस्तान में, हम प्रजा ही रह गए सिर्फ। मेरा आखिरी सवाल उस पॉइंट पे कि बादशाह अकबर पर दो लेवल पे अभी एक रिसर्च हो रहा है। एक तो आप हैं, इरा मकोटी है, और एकेडमिक्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, जो अभी उनके उनके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट पे, जिंदगी के एस्पेक्ट पे नई नई रिसर्च हो रही है और काफी नई चीजें सामने आ रही हैं। और दूसरी और जो हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप से काफी चीजें उनके बारे में फैलाई जा रही हैं। तो आगे जाके अभी फ्यूचर में आप कैसा देखते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडियंस है वो बादशाह अकबर को कैसे देखेंगे? मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें मैंने नहीं पाली है इस मामले में, क्योंकि मैं बड़ा मायूस रहता हूँ। मैंने बातें भी की हैं इस बारे में, मैं बहुत रोया भी हूँ कि आज जो है हिंदुस्तान में, मैंने सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत बार कहा है कि हमें जहालत उरूज पे है। लोग मुझे कहते हैं कि अगर उरूज पे है तो एक दिन उरूज है तो जवाल भी आएगा, लेकिन वो जवाल हम देख पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है। अपनी जिंदगानी में शायद हम ना देख पाए, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। तो एक तो एकेडेमिया है वो खुला हुआ नहीं है, हर कोई उसमें दाखिल नहीं हो सकता, और वो भी इतना ज्यादा ओपन नहीं है, वो क्लासरूम से बाहर आना वो उसको पसंद नहीं है। लॉकडाउन के चलते एक जरूर चीज मैंने देखी है, वो ये है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो आजकल फेसबुक लाइव में या वेबिनार्स के जरिए जो है अपने रिसर्चेस के बारे में लोगों को बता रहे हैं। मुझे लगता है ये आगे चल के शायद बहुत इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकले। अभी बड़ा पुशबैक है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे बैकलैश होता है, और हम पहले इग्नोर करते थे सोशल मीडिया पे को, कि सोशल मीडिया पे लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उसका जो है रियल लाइफ से कोई जो है उसका सरोकार नहीं है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, आजकल हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे शोर होता है, उसके बाद जो है केसेस फाइल होते हैं, उसके बाद जो है लोग अंदर जाते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। आगे क्या होगा वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, मुस्तकबिल हम सब ने खुद ने मिलकर बनाना है। लेकिन अगर हम माजी में ही रहते रहे, जीते रहे, माजी को बदलने की कोशिश करें, तो फिर कुछ नहीं होगा। हमारा हाल भी खराब हो रहा है, हमारा फ्यूचर भी बर्बाद होगा। तो एकेडेमिया को जुड़ना पड़ेगा,
मैं पहले ये भी मैं बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैं तारीखदान नहीं, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, सहाफी हूँ, तो मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है। पॉपुलर ऑथर्स हम लोग जितनी भी बायोग्राफीज क्यों ना लिख लें, हमारे कुछ हमेशा से लिमिटेशंस रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। जो ट्रेंड एकेडमिक्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी का काम ही है ये। वो सारे सिस्टम्स, थियोरीज, प्रोसेसेस से वाकिफ हैं। वो कोई अगर हिस्ट्री लिख रहा है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो है इनको कुछ पता ही नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए मनीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और लाइव हिस्ट्री इंडिया का।